हेलो दोस्तों, मैं हूँ यशवंत, एक पंप ऑपरेटर का मैकेनिक। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोनोब्लॉक वर्सेस सेंट्रीफ्यूगल वाटर पंप में क्या अंतर है और कौन सा वाटर पंप आपको बेस्ट रहेगा अपने घर के यूज़ के लिए। इससे पहले कि वीडियो को शुरू करूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नीचे लाल बटन को दबा करके, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाली पंप से रिलेटेड जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके मोनोब्लॉक वर्सेस सेंट्रीफ्यूगल पंप के डिफरेंस के बारे में कि क्या क्या इसके अंदर डिफरेंस है, क्योंकि जो मोनोब्लॉक पंप है और सेंट्रीफ्यूगल वाटर पंप है, इनका दोनों का ही काम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करते हैं और एक ही तरह का इनका काम है, वाटर लिफ्टिंग का काम इनका है। और इसमें जो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है इसका, जो मोनोब्लॉक पंप है इसमें जो है सेम शाफ्ट के ऊपर जो है आपका पंप और मोटर फिट किया रहता है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए सुविधाजनक है। और दूसरी तरफ हम सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है अलग अलग जो है डिफरेंट प्लेट के ऊपर जो है असेंबल किया रहता है, वो जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बहुत उसको जो है खोल करके आपको ले जाना पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल पंप मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये सिंगल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप है। सेंट्रीफ्यूगल पंप मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप भी आते हैं, क्योंकि इनको उठाने के लिए आपको पंप को अलग ले जाना पड़ता है और मोटर को अलग ले जाना पड़ता है, क्योंकि इसका भारी भरकम ये वजन होता है। और उसके बाद बात करते हैं दूसरे नंबर पे मोनोब्लॉक पंप के लिए जो है स्पेस ये कम घेरता है, इसके लिए कम जगह की ज़रूरत पड़ती है, जबकि आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, ये ज़्यादा स्पेस आपका घेरता है, इसलिए ये वजन में भी भारी रहता है और आपके जो है ले जाने के लिए भी बहुत भारी ये रहता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे बात करते हैं हम मोनोब्लॉक पंप की, इसका जो फ्लो रेट है इसका फ्लो रेट सेंट्रीफ्यूगल पंप की अपेक्षा कम रहता है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल पंप आपका फ्लो ज़्यादा देता है, वाटर फ्लो जो है ज़्यादा देता है, जबकि मोनोब्लॉक पंप इतना पानी आपका नहीं दे पाता, क्योंकि ये साइज़ में भी छोटा है और प्रेशर में भी इससे कम है। क्योंकि और इसमें आपको एक बात और बता दूं कि जो आपके मोनोब्लॉक पंप है वो आपके 1.5 HP से नीचे के वाटर पंप होते हैं और 1.5 HP से ऊपर के जो पंप होते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल पंप की कैटेगरी में आते हैं। और यदि आपको इस तरह का कोई पंप ख़रीदना है, आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक से ख़रीद सकते हैं, वहाँ पर मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जा कर के आप खरीद सकते हैं। यदि आपको कोई मोनोब्लॉक या सेंट्रीफ्यूगल पंप आपको अपने घर के यूज़ के लिए ख़रीदना है तो लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये पंप कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, कौन सा पंप आपके लिए बेटर रहेगा। तो उसके बाद बात कर लेते हैं एक बार फिर से मोनोब्लॉक पंप की। मोनोब्लॉक पंप जो है आपके बिजली का खर्चा जो है कम करता है, जबकि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो हाई पावर कंजप्शन आपकी करता है, इसमें बिजली का खर्चा आपका ज़्यादा रहता है। और उसके बाद बात करते हैं मोनोब्लॉक पंप की, ये जो है आपके एक ही सीरीज़ में लगे होते हैं, और जबकि सेंट्रीफ्यूगल पंप आपके सेपरेट पंप और मोटर अलग अलग लगे रहते हैं। और उसके बाद मोनोब्लॉक पंप आपका यूज़ कहाँ पे होता है, आप बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये इसका यूज़ किया जाता है। मोनोब्लॉक पंप आपके घरों में यूज़ किया जा सकता है, बिल्डिंग में यूज़ किया जा सकता है, होटलों में यूज़ आदि में यूज़ इसका किया जा सकता है, क्योंकि घरों में यदि आपको 2-4 मंजिल के ऊपर पानी पहुंचाना है तो यहाँ के लिए आपको मोनोब्लॉक पंप सही रहेगा, सफिशिएंट है। बिल्डिंग के लिए कहीं भी 8-10 मंजिल 12 मंजिल 15 मंजिल तक जो है आपके मोनोब्लॉक पंप अच्छी तरह से काम करते हैं। और उसके बाद बात कर लेते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप आपका यूज़ कहाँ पे होता है ज़्यादातर, ये जो आपका यूज़ होता है एग्रीकल्चर फील्ड में, जो कि आपको कृषि की सिंचाई
के लिए इसका जो है प्रयोग किया जाता है, इंडस्ट्री में इसका प्रयोग किया जाता है, कमर्शियल यूज़ आदि के में जो है इसका यूज़ किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल पंप का। और अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। मोनोब्लॉक पंप जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप की अपेक्षा कम सस्ता है और सेंट्रीफ्यूगल पंप थोड़ा सा महंगा है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो वाकई अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, और हमारा भी एक मैसेज कहीं ना कहीं उन लोगों तक पहुंच जाएगा जिनके लिए हमने ये वीडियो बनाई है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पंप से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाली पंप से रिलेटेड जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।